हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीडीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे एसएससी के द्वारा जो सबसे ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स पूछे गए हैं, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड मीनिंग्स आस्क बाई एसएससी, ठीक है। एसएससी के द्वारा जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड, वो हम लोग आज के लेसन में देखेंगे, ठीक है। मे बी एक या दो पार्ट करके आए आज हम लोग पढ़ेंगे, अगर इसके अलावा और भी जो वर्ड्स बच जाएंगे वो आपको सेकंड पार्ट बनाकर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो पूछा गया है एसएससी के द्वारा, वो है आपका एडामेंट, ADAMANT, ठीक है। एडामेंट, एडामेंट मतलब क्या होता है? एडामेंट मतलब होता है जिद्दी, ठीक है। एडामेंट मतलब क्या होता है? जिद्दी, जो अपने बात पर अड़ा रहे, ठीक है, जो अपने बात पर अड़ा रहे। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो आप रिगोरस लिख सकते हैं, RIGOROUS। देखिए, यहाँ पर जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो आपको यहाँ पर बताया जाएगा वो भी एसएससी के द्वारा हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि ये जो आपका मेन वर्ड हो गया, फिर जो आपको सिनोनिम्स बताया जाएगा और जो एंटोनिम्स बताया जाएगा, ये भी ऐसे वर्ड्स होंगे जो सारे के सारे एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इससे हमें डबल फायदा होगा, यहाँ पर भी ये वर्ड भी हम लोग सारे जो हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं, सारे को यहाँ पर हम लोग एक प्रकार से रिविजन भी कर लेंगे, जिन्हें नहीं याद होगा वो याद भी कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, एडामेंट यानी कि इसका सिनोनिम्स हो गया जिद्दी, और इसका अगर एंटोनिम्स आपसे पूछा जाए तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कंप्लायंट, COMPLIANT, कंप्लायंट यानी कि जो अपने बात पर न अड़ा रहे, ठीक है। इसका मतलब हो गया एडामेंट यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी है, अपने बात पर अड़ा रहता है, और इसका मतलब हो गया कंप्लायंट मतलब कि जो अपने बात पर अड़ा न रहे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर वन, जो हम बहुत ही ज़्यादा बार जो है पूछा गया है एसएससी के द्वारा, ठीक है। देखते हैं दूसरा है हमारा फ्रूगल, FRUGAL, ठीक है। फ्रूगल मतलब क्या होता है? फ्रूगल मतलब होता है मित व्ययी यानी कि कम खर्च करने वाला, ठीक है, कम खर्च करने वाला। अगर इसका सिनोनिम्स आपसे पूछा जाए तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इकोनॉमिकल, ठीक है। इसका अगर सिनोनिम्स पूछा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा इकोनॉमिकल। अगर इसका आपका एंटोनिम्स पूछा जाएगा तो हो जाएगा स्पेंडथ्रिफ्ट, ठीक है। स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब क्या होता है? खर्चीला, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, ठीक है। तो ये इसका हो गया एंटोनिम्स फ्रूगल का, ठीक है। ये आपका हो गया सेकेंड वर्ड फ्रूगल, इसका एंटोनिम्स स्पेंडथ्रिफ्ट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो वर्ड मीनिंग हमारा जो थर्ड है इम्पॉर्टेंट, जो बहुत बार पूछा गया है, वो है डिमिनिस, ठीक है। डिमिनिस मतलब होता है कम होना या फिर कम करना, ठीक है। तो इसका जब सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका रिड्यूस। इसका एंटोनिम्स आपका हो जाएगा इंक्रीज। इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ना। इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ना, ठीक है। तो इस साइड हम लोग पढ़ रहे हैं सिनोनिम्स, इस साइड हम लोग पढ़ रहे हैं एंटोनिम्स, यहाँ पर ऊपर लिखा गया है। और अगर इस लेसन का अगर आपको PDF चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक पेज है, तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे गए हैं। ये मे भी शायद एक पार्ट ही आ चो, ठीक है। और भी जो वर्ड्स होंगे आपको पार्ट टू और भी ज़्यादा होंगे तो पार्ट थ्री भी इसका आ जाएगा। तो इस लेसन को आप लोग कंप्लीट देख लीजिए, हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे सिनोनिम्स में ये आपका क्वेश्चन बनकर आ जाता है, सिनोनिम्स में ये आपका क्वेश्चन बनकर आ जाता है, सिनोनिम्स में ये आपका क्वेश्चन बनकर आ जाता है, ठीक है। तो हर एक वर्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए लेसन को पूरा देखिए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको क्विजेज होते रहते हैं रेगुलर, ठीक है। और भी वेरियस लेसन्स के इम्पॉर्टेंट वहाँ पर PDFs अवेलेबल हैं। एग्ज़ाम के समय आपको लूसेंट का इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो दिया जाता है, ठीक है। तो सारे को आप लोग अच्छे से याद करते जाइए, वहाँ पर जुड़ जाइए। और इस लेसन का जो ये पेज है मेरे हाथ में, इसका भी वीडियो आपको एक बनाकर वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आप लेसन देखने के बाद जो है PDF भी एक बार अच्छे से देख लें तो आप आसानी से आप याद कर पाएँ, ठीक है। तो ये हमारा हुआ डिमिनिस। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका इम्पेकेबल, IMP
impeccable, impeccable, impeccable मतलब होता है त्रुटिहीन, यानी कि जिसमें कोई त्रुटि न हो, faultless, ठीक है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा faulty, यानी कि जिसमें त्रुटि हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम हो, त्रुटि हो, ठीक है। सिनोनिम्स हो गया faultless, एंटोनिम्स हो गया आपका faulty। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए यहाँ पर हम ये मतलब ईयर नहीं लिख पा रहे हैं कि ये जो वर्ड मीनिंग है कब कब पूछा गया है, ये मीनिंग कब कब पूछा गया है, क्योंकि ये जो ऐसे वर्ड्स हैं, अगर आप खुद से भी अगर किसी बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाते होंगे, एमबीए पब्लिकेशन से बनाते होंगे, या और भी कोई भी बुक से आप बनाते होंगे, तो आप देखते होंगे या फिर आपके ध्यान में आ रहा होगा कि ये सारे वर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड हुए हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एकदम अश्योर हो जाइए, सुनिश्चित रहिए, यहाँ पे सारा आपको कंटेंट जो है एसएससी के लिए ही दिया गया है, चाहे आप सीजीएल देने वाले हैं, सीएचएसएल देने वाले हैं आगे, सीपीओ या फिर एमटीएस, स्टेनोग्राफर, जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और इन सारे एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं वर्ड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कॉन्टामिनेट, कॉन्टामिनेट, कॉन्टामिनेट मतलब क्या होता है, कॉन्टामिनेट मतलब होता है दूषित करना, ठीक है। कॉन्टामिनेट मतलब क्या होता है, दूषित करना, पॉल्यूट। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा प्यूरिफाई, यानी कि शुद्ध करना, ठीक है, शुद्ध करना। एक तरफ जहाँ पर पॉल्यूट यानी कि दूषित हो रहा है, और एक जहाँ जहाँ पे शुद्ध हो रहा है कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंटोनिम्स। देखिए हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी अगर YouTube पे लाइव स्ट्रीम होने का एक ये उसका कंडीशन है कि 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। तो देखिए लाइव स्ट्रीम करने से ये होता है कि हम वहाँ पर कुछ भी बताएंगे तो आपका वहाँ पर जो भी मन में डाउट होता है या जो इशू होता है आप वहाँ पर तुरंत पूछ ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि जो लोग हैं वो देखें, अगर उन्हें अच्छा लगे तो वो हमारे साथ जुड़ें, ठीक है। और हम लोग जल्दी से 1K के पास पहुँचें, ताकि हम लोग लाइव स्ट्रीम करके साथ में पढ़ें, वहाँ पर साथ में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको तुरंत उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए ट्रस्टवर्थी है, आपके लिए ये अच्छा है, आपके लिए ये अच्छा कर रहा है, या और आगे अच्छा करेंगे हम लोग साथ में मिलकर, तो प्लीज़ लेसन्स को शेयर करिए, ताकि और हम लोग आगे बढ़ें, और फिर वहाँ पर लाइव स्ट्रीम करने का ऑप्शन हमें मिल जाए, और साथ में लाइव स्ट्रीम के साथ पढ़ें, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका एडिक्वेट, ADEQUATE, एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, एडिक्वेट मतलब क्या होता है आपका पर्याप्त। देखिए इसका सिनोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा सफिशियंट, सफिशियंट, SUFFICIENT। इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका म्याग, MEAGRA, म्याग मतलब होता है कम, ठीक है, MEAGRA, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन जो है वो है आपका कंडेम्न, CONDEMN। कंडेम्न मतलब होता है किसी की निंदा करना, कंडेम्न मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना। देखिए इसका जो आपका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रिटिसाइज, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स आपका हो जाएगा प्रेस, यानी कि किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। एक तरफ जहाँ पे आप किसी के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ जहाँ पे आप किसी के प्रशंसा कर रहे हैं, ये आपका है एंटोनिम्स, ये सिनोनिम्स। तो आई होप आपको एकदम क्लियर पता चल रहा होगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है। यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स हुए, और भी आगे देखते हैं वर्ड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो हम लोग जितना जल्दी जल्दी याद कर लेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए मे बी अगर पॉसिबल हो तो अगर आपको वीडियो से देख लीजिए, और 2-3 बार देखकर फिर रिवीजन कर लीजिएगा, और पीडीएफ जैसे ही आपके साथ शेयर किया जाएगा, आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसे हो सके तो प्रिंट भी कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल होगा, या फिर प्रिंट आउट करके 5 रुपए में कॉपी मिल जाएगा, लगभग 6 से 7 पेजेस आपको मिलेंगे, प्रिंट आउट करा के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर एट पार्सिमोनी, PARSIMONY, पार्सिमोनी मतलब होता है कंजूस, ठीक है। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रूगैलिटी, ठीक है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वही स्पेंड थ्रिप्ट, जो हम लोग पढ़े थे कुछ देर पहले ही, खर्चीला, स्पेंड थ्रिप्ट, ठीक है, थ्रिप्ट। फ्रूगैलिटी यानी कि कंजूस,
ये आपका हो गया स्पेंडथ्रिफ्ट एंटोनिम्स और ये आपका हो गया सिनोनिम्स। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा ट्रैंक्विल, TRANQUIL। ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत। ठीक है, ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है? शांत। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका काम, CALM, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा नॉइजी, यानी कि शोरगुल। एक जगह शांति है और एक जगह शोरगुल है। ठीक है, तो ये आपका एंटोनिम्स हो गया और ये आपका सिनोनिम्स हो गया। आगे देखते हैं, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है फटीग। फटीग मतलब क्या होता है? थकान। ठीक है, टायर्डनेस, टायर्डनेस। ठीक है, इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लिवलीनेस, यानी कि ऊर्जावान। एक जगह जहाँ पे आप थकावट महसूस करते हैं और एक जगह जहाँ पे आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एंटोनिम्स हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका ट्रिवियल, TRIVAL। ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ, महत्वहीन, तुच्छ या फिर महत्वहीन। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनसिग्निफिकेंट, फिकेंट। ठीक है, और इसका एंटोनिम्स आप सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट यानी कि अर्थपूर्ण। एक जो है अर्थहीन है और एक जो है अर्थपूर्ण है, यानी किसी का अर्थ निकलता हो, इम्पोर्टेंस हो, और एक जो हो जहाँ पे किसी का महत्व ना हो। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका रेप्रीमैंड, रेप्रीमैंड। रेप्रीमैंड मतलब किसी को डांटना। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग घर पर नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपके गार्जियन डांटते हैं कि बेटा पढ़ो, बेटी पढ़ो, तो ये आपका हो गया आपका डांटना, यानी कि रेप्रीमैंड। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा प्रेज हो जाएगा, प्रेज यानी कि सॉरी प्रेज यानी कि प्रशंसा करना। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको प्रशंसा मिलेगा, नहीं पढ़ाई करेंगे तो आपको डांट मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब होता है बाधा। ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है? कि किसी के काम में आप जो है बाधा डाल रहे हैं। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा बैरियर, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हेल्प, यानी कि मदद करना। एक तरफ आप जहाँ पर किसी के काम में बाधा डाल रहे हैं और एक तरफ आप किसी के काम में उसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एंटोनिम्स होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है इनिशिएट, इनिशिएट। इनिशिएट मतलब होता है शुरू करना, किसी काम को शुरुआत करना। ठीक है, टू स्टार्ट, ये आपका हो जाएगा सिनोनिम्स, और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा स्टॉप, यानी कि किसी काम को रोकना। ठीक है, ये हमारा मेन वर्ड है, ये तो सभी को पता होगा स्टार्ट और स्टॉप, लेकिन इनिशिएट जो है ये हमेशा पूछा जाता है, तो याद ज़रूर कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट। अडेप्ट मतलब क्या होता है? योग्य, कुशल, निपुण। ठीक है, इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्किल्ड, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इनेप्ट, यानी कि अकुशल, अयोग्य, अकुशल या फिर अयोग्य। ठीक है, देखिए ये वर्ड भी आपको हमेशा देखने को मिलता है, इनेप्ट, और अडेप्ट भी आपको देखने को मिलता है, स्किल्ड भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए पार्सिमोनी, कंजूस, ट्रैंक्विल, शांत, फटीग, थकान, ट्रिवियल, तुच्छ, रेप्रीमैंड, डांटना, ऑब्स्टिकल, बाधा, इनिशिएट, शुरू करना, अडेप्ट, अयोग्य, सॉरी अडेप्ट मतलब योग्य। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15 तक, और भी हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए जितना ज़्यादा आप लोग जो हैं सपोर्ट करिएगा, उतना ज़्यादा हम लोग जो हैं साथ साथ में और पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग सभी जो हैं लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी देखिए, इनका रिविज़न करिए और शेयर भी करिए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चैनल जो है आपके लिए ट्रस्ट वर्दी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इंडेवियर। इंडेवियर मतलब क्या होता है? इंडेवियर मतलब होता है प्रयत्न, प्रयास। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अटेम्प्ट, यानी कि आप जो है प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसका एंटोनिम्स नहीं होगा। ठीक है, एक तरफ आपका प्रयत्न ये नाउन है, इसलिए यहाँ पर जो है इसका एंटोनिम्स कोई भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका पैनसे, PANACEA। ठीक है, ये ऐसा वर्ड है जो आपको OWS में भी पूछा जाता है और साइनोनिम्स में भी पूछा जाता है।
इसका मतलब होता है रामबाण, सभी चीज़ों का एक दवा, ठीक है, क्योर ऑल। ये आपका हो गया सिनोनिम्स, ये आपको OWS में भी पूछा जाता है पैनिक से, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है लेथल, LETHAL, ठीक है, इसका मतलब होता है घातक, जानलेवा, ठीक है, डेडली, यानी कि आपके लिए जो है, आपके जान के लिए खतरा है, खतरनाक है, वो घातक है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका डेडली, और इसका एंटोनिम्स आपका हो जाएगा लाइफ गिविंग, यानी कि जीवन दाता, ठीक है, ये आपका हो गया एंटोनिम्स। ये वर्ड और ये वर्ड आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है रेजंडेंट, REDUNDANT, रेजंडेंट मतलब होता है अनावश्यक, मतलब कि जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, उसे बोला जाता है रेजंडेंट, यानी कि इसका जो हो गया अर्थ वो हो गया आपका अनावश्यक, ठीक है। इसका सिनोनिम्स अगर आप याद करेंगे तो वो याद करेंगे वेन या फिर अननेसेसरी, ठीक है, यानी कि अनावश्यक। अब इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इम्पॉर्टेंट, मतलब क्या होता है, इम्पॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण। वर्ड्स को सही से याद करिएगा, ठीक है, स्पेलिंग जो है सही से याद करिएगा, क्योंकि आपको जो है एग्ज़ाम में करेक्टली स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हर एक वर्ड को अच्छे से याद करिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, रेजंडेंट यानी कि अनावश्यक, और इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं सरप्टीटियस, SURPTITIOUS, इसका मतलब होता है गुप्त, ठीक है, यानी कि कवर्ट मतलब हो गया एक तरह से वो चीज़ जो है वो कवर्ट है या फिर सिक्रेटिव है, सिक्रेट जैसे हम लोग बोलते हैं सिक्रेटिव, सिगरेट पीता है वो वाला सिगरेट नहीं, ठीक है, जो हम लोग उस मूवी में हेरा फेरी वाला सिगरेट पीता है वो वाला सिगरेट नहीं है, यहाँ पर ये है सिक्रेट, ठीक है, सिक्रेट यानी कि गुप्त। तो स्ट्रेप्टिडियस यानी कि हो गया गुप्त, इसका जो आपका एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ओपन यानी कि खुला या फिर प्रत्यक्ष, ठीक है, ये आपका एंटोनिम्स है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इसमें तो सारा हो गया, चलिए एक और है, इसमें है सैंक्शन, क्वेश्चन नंबर 21 है सैंक्शन, मतलब होता है इजाज़त देना, मंजूरी देना, ठीक है, इजाज़त देना या फिर मंजूरी देना यानी कि अप्रूवल, और इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिसअप्रूव यानी कि नामंजूर कर देना, यानी कि आप किसी काम को करने के लिए उसे अप्रूवल दे रहे हैं, ठीक है, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसअप्रूवल यानी कि एक काम को करने के लिए आप नामंजूरी, यानी कि एक तरफ मंजूरी और एक तरफ नामंजूरी, ठीक है। तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स जो SSC के द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप सभी वर्ड्स को याद कर लीजिएगा साइनो एंटो के साथ, अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ पर जो है दिक्कत है, या फिर अगर आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ और हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर डिस्कशन ग्रुप में आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी पूछना है SSC के रिलेवेंट, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं आगे के लेसन में, इसका पार्ट 2 आपको आगे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हो गए, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत सारे तो नहीं है लेकिन हाँ ये इतने वर्ड्स हैं कि आप इन्हें याद करके रिविज़न कर लें, और फिर 2-3 बार रिविज़न कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फिर इसके और भी पार्ट्स होंगे, क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली आगे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर भी करते रहिएगा, मिलते हैं आगे के लेसन में, थैंक यू।